कभी सड़क पर विरोध प्रदर्शन करके तो कभी मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लगातार जासूसी मामले में घेर रही है। लेकिन इतना ही नहीं, अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की ओर से बड़ा झटका लगा है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा 2015 में FBU का गठन किया गया था, यानी कि फीडबैक यूनिट का गठन किया था। इसी फीडबैक यूनिट को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप ये है कि वो राजनीतिक विरोधियों की जासूसी कराती है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार इस मुद्दे पर BJP दिल्ली सरकार को घेर रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, CBI इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है और CBI ने इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल से अपील की थी कि दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उन्हें मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी जाए। अब इस मामले को लेकर उपराज्यपाल की ओर से CBI को केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। कैसे उपराज्यपाल ने CBI को मंजूरी दी है वो बताते हैं आपको। जासूसी मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए LG से अनुमति मांगी थी, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। LG विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। जासूसी मामले में अन्य अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। तो उपराज्यपाल की ओर से CBI के द्वारा जो डिमांड किया गया था, जो अपील की गई थी कि मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उन्हें मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी जाए, वो मंजूरी उपराज्यपाल की ओर से दी गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर अब मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर भारतीय जनता पार्टी उतर गई और वहां पर किस तरीके से BJP नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई और क्या कुछ कहा है BJP ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर इस पूरे जासूसी मामले पर, उनकी तरफ से क्या बयान आया है वो आपको सुनवाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए क्या है ये जासूसी कांड। ये दूरबीन बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट बनाई और घर घर के अंदर जासूसी की ये दूरबीने लगा दी इस बात के लिए कि अपने विरोधियों की जासूसी करें, केंद्रीय मंत्रियों की करें, सांसदों की करें, अधिकारियों की करें, यहां तक कि अपनी भी पार्टी की करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में सीक्रेट सर्विस फंड कैसे बन गया, फीडबैक यूनिट कैसे गठित हो गई, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक तरीके से जो बनाया गया है उसका विरोध हम करने के लिए बैठे हैं। और उपराज्यपाल ने बिल्कुल ठीक किया है कि इस केस को CBI को दे दिया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की समस्याओं को हल करने को छोड़कर बाकी सारे खेल करने के अंदर लगे हुए हैं। तो BJP नेता विजय गोयल का बयान आपने सुना, दूरबीन उनके हाथ में थी और दूरबीन के जरिए वो सांकेतिक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजनीतिक विरोधियों की जासूसी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने चुप्पी तोड़ दी है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक नए मामले को उनके खिलाफ लाया गया है। ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने, क्या कह रहे हैं ट्वीट करते हुए बताते हैं आपको। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, BJP वाले मेरे खिलाफ नया आरोप लाए हैं कि मैं 2015 से इनकी जासूसी करवा रहा हूं। इतने बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व ही CBI, ED, पेगासस से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है, अगर इतने बड़े लोग भी मुझसे डर रहे हैं तो लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गए हैं यार। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए जो तमाम आरोप उन पर लग रहे थे जासूसी कराने के, वही आरोप दरअसल उनकी तरफ से BJP पर लगा दिए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अब ये थमने वाला नहीं है, आने वाले समय में इन आरोपों की जो झड़ी है वो और लंबी होती हुई नजर आएगी। हम आपको ये बताते हैं कि ये पूरा जो FBU विवाद है, यानी कि फीडबैक यूनिट को लेकर जो जासूसी करने के आरोप दिल्ली सरकार पर लगे हैं वो दरअसल है क्या। दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था, उस वक्त 20 अधिकारी इस यूनिट पे काम करते थे। BJP ने आरोप लगाया कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। FBU ने न सिर्फ BJP के नेताओं की बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी नजर रखने का काम किया। FBU के लिए LG से कोई अनुमति नहीं लेने का आरोप भी लगाया गया है। CBI को शुरुआती जांच में सबूत मिले हैं कि FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की है। CBI ने 12 जनवरी 2023 को इस मामले में खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट पेश की और LG से भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।
पिछले कई दिनों से दिल्ली की राजनीति में जासूसी विवाद को लेकर जिस तरीके से सियासत सुलगी है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी रूप से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए अब मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि अब उपराज्यपाल के द्वारा जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ और साथ ही साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी मिल गई है सीबीआई को, तो अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आगे कार्रवाई करती हुई नजर आती है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।